आज जो बात करेंगे बड़ी गजब की है, जीवन के अद्भुत संदेश लेकर के आने वाली बात है, जीवन के अद्भुत मार्गदर्शन देने वाली ये बात है। और इसलिए कल्पसूत्रकार भद्रभाउ स्वामी महाराज ने आज के दिन परमात्मा का पूरा जीवन चरित्र बोला जाता है, लेकिन उसमें भी मेरे हिसाब से, मेरे दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यदि कोई है तो परमात्मा का साधना काल है। जो परमात्मा ने 12.5 साल तक उत्तम अद्भुत और एक उत्तम कोटि की, अव्वल कोटि की जो साधना करी, वो साधना को यदि हम समझ ले, उनको यदि दृष्टांत को, उसके वृत्तांतों को यदि ध्यान पूर्वक सुन ले, यदि भाव पूर्वक सुन ले, तो जीवन में बहुत कुछ हम सीख सकते। और जब परमात्मा के 12.5 साल के साधना काल को जब देखते हैं तो पता चलता है कि क्या अद्भुत हमारे परमात्मा थे, क्या अद्भुत हमारे परमात्मा का जीवन था। अरे मैं तो कई बार कहता हूं कि समझना, कई धर्म ये मानते हैं कि भगवान ने कहा है वो करो, भगवान ने किया वो नहीं करना, लेकिन भगवान ने जो कहा है वो करो, कई धर्म ये मानते। तो दुनिया के कई धर्म ये भी मानते हैं कि भगवान ने कहा वो नहीं करना, लेकिन भगवान ने किया वो करो। समझना बड़ी गजब की बात है। अपने तीर्थंकर परमात्मा महावीर का क्या जीवन अद्भुत था, उनके जीवन में क्या गजब की ताकत थी। कई धर्म दुनिया के ये मानते हैं कि कहा वो करो, कई धर्म ये मानते हैं किया वो करो, लेकिन अपने परमात्मा के जीवन को जब देखते हैं, परमात्मा महावीर के जीवन को जब देखते हैं, तो परमात्मा महावीर का जीवन ये संदेश देता है कि परमात्मा ने कहा वो करो तो भी जीवन का बेड़ा पार, और परमात्मा ने किया है वो करो तो भी जीवन का बेड़ा। कोई भी एंगल से आप परमात्मा को देख लो, चाहे उनके वाणी से, चाहे उनके विचारों से, चाहे उनके आचारों से, चाहे उनके बर्ताव से, कोई भी एंगल से आप परमात्मा को देख लो, हर एंगल से आपको कुछ न कुछ बोध पाए, कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। जिस तरह से कहा जाता है कि गुड़ को कहीं से भी खा लो कैसा लगता है, मिठाई लगता है। ऊपर से खाओ, नीचे से खाओ, आजू से खाओ, बाजू से खाओ, कहीं से भी गुड़ को खा लो वो हमेशा मिठास ही देता है। इसी तरह से ये परमात्मा महावीर का जीवन ऐसा है, आप कहीं से भी उनको देख लो, उनकी वाणी को सुन लो तो भी बेड़ा पार, उनके विचारों के ऊपर चलो तो भी जीवन का बेड़ा पार, उन्होंने जो आचार मर्यादाओं का पालन किया उसमें मुताबिक अपना जीवन बनाओ तो भी जीवन का बेड़ा पार, उनके व्यवहार के हिसाब से चलो, उनकी क्षमा के हिसाब से चलो, उनकी नम्रता के हिसाब से चलो, उनके तप के हिसाब से चलो, उनके त्याग के हिसाब से चलो, आप कोई भी एंगल से उनको देखोगे कहीं ना कहीं वो हमें हमेशा बोध देते हुए नजर आए। और उसमें भी अति महत्वपूर्ण समय परमात्मा के जीवन का यदि कोई है तो वो 12.5 साल का साधना काल है। और जब 12.5 साल के साधना काल को देखते हैं तो पता चलता है कि 3 अद्भुत संदेश परमात्मा के 12.5 साल के साधना काल से मिले, जो शायद हम सोच ना सके, हम विचार ना कर सके, हमारे जीवन में यदि वो संदेशों को उतार लिया जाए, माइंड ब्लोइंग मैसेज हमारे दिमाग को परिवर्तन कर दे, हमारे मन का परिवर्तन कर दे, हमारे विचारों का परिवर्तन कर दे, ऐसे 3 अद्भुत संदेश लेकर के ये साधना काल आता है। और मैं आपको बताता हूं कि यदि परमात्मा महावीर के 3 अद्भुत संदेशों को आपने समझ लिया तो समझ लो जीवन के अद्भुत माइंड ब्लोइंग मैसेज आपको मिल। 12.5 साल की साधना काल में सबसे पहला अद्भुत संदेश, मिनिमम फूड मैक्सिमम फेथ। समझना, 12.5 साल तक परमात्मा के जीवन को जब देखा जाए तो परमात्मा के जीवन से पहला ये माइंड ब्लोइंग मैसेज हमको ये मिलता है, मिनिमम फूड मैक्सिमम फेथ। फूड यानी भोजन, 12.5 साल के अंदर परमात्मा के भोजन के दिन, पारणे के दिन गिने जाए तो शास्त्रकार परमर्षि भद्रभाउ स्वामी महाराज ये लिखते हैं कि 12.5 साल में 1 साल पूरा भी पारणे का समय नहीं था, 365 पूरे पारणे नहीं किए। मिनिमम फूड मैक्सिमम फेथ,
फेथ किसके ऊपर, श्रद्धा किसके ऊपर? वो तो खुद परमात्मा थे, वो तो खुद तीर्थंकर बनने वाले थे, वो खुद अपने जीवन को निर्माण की ओर आगे ले जाने वाले थे, केवल ज्ञान की मंजिल उनको प्राप्त होने वाली थी। लेकिन फेथ किसके ऊपर? फेथ खुद के ऊपर, एक आत्मविश्वास जो उनके जीवन का था, नहीं आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। 12.5 साल के दौरान परमात्मा ने यह समझ लिया कि मुझे तप करना है। और एक चीज समझना, जब तक आप फूल के हिस्से में हो तब तक तप नहीं हो सकता, लेकिन जब आप फेथ के हिस्से में आ जाते हो, आत्मविश्वास जगा लेते हो आपके खुद के ऊपर, परमात्मा के वचनों के ऊपर, गुरु के वचनों के ऊपर, जब आत्मविश्वास जग जाता है तभी हम कहीं ना कहीं जीवन में कुछ अचीव कर पाते हैं, कहीं ना कहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए परमात्मा के 12.5 साल के साधना काल से हमें पहला संदेश मिलता है, मिनिमम फूड मैक्सिमम फेथ। भोजन मिनिमम, हमारे यहां जैनिज्म में तप धर्म बताया गया, शरीर को मात्र कष्ट देने के लिए नहीं, ये पूरा साइंटिफिक धर्म है। आज के समय में आप यदि देखो तो आपको पता चलेगा इंटरमीडिएट फास्ट का जमाना चल रहा है। 2 वैज्ञानिकों ने यह संशोधन किया कि दिन में 16 घंटा यदि भूखा रहा जाए तो आपके शरीर के 99% रोग समाप्त हो सकते हैं, और वो वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला इतना अद्भुत संशोधन करने के लिए। अरे मैं तो कहता हूं परमात्मा महावीर 2600 साल पहले कह करके गए कि महीने की 5 तिथि आप उपवास कर लो, उससे अच्छा स्वास्थ्य वर्धक चीज आपके जीवन में कोई हो नहीं सकता। आज इंटरमीडिएट फास्ट का जमाना है, 16 घंटे भूखे रहो शरीर के सब रोग नाश हो जाएंगे। अरे परमात्मा महावीर ने क्या अद्भुत संदेश हमें दे करके गए, मिनिमम फूड। आप जितना भोजन के ऊपर मिनिमम रहोगे, खुद के ऊपर विश्वास जितना मैक्सिमम रखोगे, जीवन उतना सरल बनता जाएगा। और मात्र कहा ऐसा नहीं, 12.5 साल में परमात्मा का तप आप देखो, हमारी आंखें 4 हो जाए। 6 महीने का तप 1 बार, 6 महीने तक उपवास लगातार 1 बार, 5 महीने 25 दिन तक लगातार उपवास 1 बार, 12 मासक श्रमण की तपस्या और 9 बार तो 4-4 महीने के उपवास, 120 दिन के 9 बार उपवास करे। अरे 1.5 मासी तब, 2 मासी तब, 3 मासी तब, 4 मासी तब, अनेकों तपस्या उपवास के पार ने उपवास, छठ के पार ना छठ। और कहते हैं कि परमात्मा का यह संदेश हमें सिखाता है कि जीवन में फूड के ऊपर मिनिमम जितना डिपेंड रहोगे उतना जीवन अच्छा चलेगा। और मैं तो कई बार कहता हूं कि आज का ये समय है, आज के दिन में भूखे रहकर मरने वाले कम है और ज्यादा खाकर मरने वाले ज्यादा है। पहला संदेश परमात्मा के साधना काल का, मिनिमम फूड मैक्सिमम फेथ। दूसरा संदेश परमात्मा के 12.5 साल के साधना काल का, मिनिमम स्पीच मैक्सिमम स्ट्रेंथ। दोनों ऐसे से शुरू होने वाले शब्द है, लेकिन परमात्मा ने समझ लिया स्पीच मिनिमम यानी कि बोलना मिनिमम, स्पीक मिनिमम यानी कि वाणी मिनिमम, और स्ट्रेंथ ज्यादा से ज्यादा। आपको पता है 12.5 साल के दौरान परमात्मा ने बुज्ज बुज्ज चंड कोसिया जैसे 2-4 शब्द बोले होंगे, बाकी पूरे 12.5 साल तक परमात्मा ने शब्दों का उच्चारण, क्योंकि परमात्मा ये समझते थे कि मेरे पास जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं है मैं दूसरों को क्या सलाह दूंगा, मैं दूसरों को क्या सिखाऊंगा। मेरा जब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाए और जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद अनेकों संदेश परमात्मा ने दिए, घंटों घंटों देशना दी, क्योंकि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और इसीलिए परमात्मा का जीवन का यह संदेश है, 12.5 साल के साधना काल का यह संदेश है कि मिनिमम स्पीड, कम बोलो, और जितना कम बोलोगे उतनी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जाएगी। मैं नहीं कहता, आज का साइंस ये कहता है, मेडिकल साइंस ये बात लिखता है कि समझ लेना, जितना कम बोलोगे उतनी स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती जाएगी। आज का मेडिकल साइंस ये कहता है कि आदमी की ज्यादातर ऊर्जा 99% ऊर्जा बोलने में खर्च हो जाती है। इसीलिए परमात्मा महावीर का यह संदेश है आज के युग के लिए, आज के लोगों के लिए। आज के लोगों को जब देखा जाए तो बोलने में तो सब आगे है, लेकिन करने की बात आती है तो स्ट्रेंथ नहीं है, शक्ति नहीं है, ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा जितनी भी है सब खर्च हो जाती है बोलने में। और परमात्मा महावीर का ये दूसरा संदेश, उनके साधना काल का ये दूसरा संदेश, मिनिमम स्पीक मैक्सिमम स्ट्रेंथ।
ताकत कहां से आई? अरे आप सोचो तो सही, उपसर्ग करने वाले थक गए, सुलपाणी यक्ष आया थक गया, कटपुतना व्यंतरी आई थक गई, गोवाल आया कान में खिले तक ठोक दिए, लेकिन फिर भी परमात्मा अविचल खड़े हैं, अचल खड़े हैं, इतनी स्ट्रेंथ आई कहां से? परमात्मा के जीवन का यह अद्भुत संदेश है। संगम देव 20-20 उपसर्ग कर रहा है और पूरी रात भर परमात्मा को परेशान करके वो थका, और जब वापस जा रहा था तब परमात्मा की आंख में से आंसू आए। कौन से आंसू? करुणा के आंसू के, बिचारे इसका होगा क्या। यह स्ट्रेंथ है, ये ताकत है, और इसीलिए कहा जाता है कि परेशान करने वाला थक जाए लेकिन हमारी सहनशीलता खत्म ना हो, हमारी क्षमता खत्म ना हो, यह स्ट्रेंथ कही जाती है। और इसीलिए परमात्मा महावीर के साधना काल का यह दूसरा संदेश है, समझ लेना। मिनिमम मिनिमम स्पीक, मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और तीसरा संदेश परमात्मा महावीर के साधना काल का, मिनिमम स्लीप, मैक्सिमम स्ट्रगल। निद्रा कितनी, आलस का समय कितना, प्रमाद का समय कितना, मिनिमम। और मैक्सिमम लड़ते रहे अपने कर्म शत्रुओं से, अपने सामने दुश्मनों से, राग और द्वेष से, जो भी सामने आया उसको परास्त कर दिया। परमात्मा कभी बाह्य शत्रु से नहीं लड़े, लड़े तो अभ्यंतर शत्रु से, लड़े तो भीतर के दुश्मनों से लड़े। और इसीलिए परमात्मा का तीसरा संदेश मिनिमम स्लीप, आलस का समय, प्रमाद का समय मिनिमम। आज आप लोगों के जीवन में देखा जाए तो मैक्सिमम समय आलस का है, मैक्सिमम समय प्रमाद का है। आज के इंसान की आधी जिंदगी तो सोने में निकल जाती, सोते सोते आधी जिंदगी गुजार देता है। लेकिन परमात्मा का संदेश यह है कि छोटा सा जीवन मिला है, अल्प जीवन मिला है, छोटा सा मनुष्य भाव मिला है, और वो मनुष्य भाव को यदि सार्थक करना है तो कहीं ना कहीं हमारे में समझ होनी चाहिए। मिनिमम स्लीप यानी प्रमाद कम से कम, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम स्ट्रगल यानी कि लड़ाई अपने शत्रुओं से, अपने दुर्गुणों से मैक्सिमम करनी होगी। अरे जीवन में भी यदि जीतना है, आगे बढ़ना है, तो प्रमादों को छोड़ करके लड़ना पड़ेगा। आपके सामने जितने हर्डल्स आते हैं, आपके सामने जितनी परेशानी आती है, कहीं ना कहीं उसके सामने लड़ना पड़ेगा। यह संदेश परमात्मा महावीर के जीवन के साधना काल का है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं, कान खोल करके सुन लेना कि परमात्मा महावीर का जीवन ऐसा जीवन था, उन्होंने कहा वो करो तो भी कोई परेशानी नहीं, उन्होंने किया वो करो तो भी कोई परेशानी नहीं। और तीन अद्भुत संदेश जो तीन चीजों के पीछे हम परेशान हो रहे हैं, कहा कि हमारी शक्ति कहाँ खर्च होती, हमारा समय कहाँ खर्च होता है, हमारी ऊर्जा कहाँ खर्च होती है, या तो भोजन करने में, या तो बातें करने में, या तो प्रमाद करने में, ये तीन चीजों में हम खत्म हो जाते हैं। लेकिन परमात्मा महावीर का ये अद्भुत संदेश है, 12.5 साल के साधना काल का ये अद्भुत संदेश है कि समझ लेना जीवन में आपको फूड मिनिमम रखना है, फेथ मैक्सिमम रखना है। दूसरे नंबर में बताया कि जीवन में स्पीक यानी कि वाणी मिनिमम रखनी है, और कहा कि स्ट्रगल मैक्सिमम, स्ट्रेंथ मैक्सिमम रखना है, और तीसरे नंबर में बताया कि जीवन में स्लीप यानी कि प्रमाद मिनिमम रखना है और स्ट्रगल मैक्सिमम रखना है। तभी जाकर के हम ये समझ पाएंगे कि हमने परमात्मा के जीवन से सही मायने में कोई बोध लिया। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताजा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।